शक्ल अच्छी है तेरी, शादी बना, बच्चे बना, यहाँ कहाँ फंस गए रे तू? दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सबास मिथु के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फ्लॉप और साथ ही साथ जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुनी फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबास मिथु एक बायोग्राफी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में तापसी पन्नू, मुमताज सुरकार, विजय राज, विजेंद्र कला और देवादर्शनी नजर आए थे। इस फिल्म को सृजित मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था अजीत अंधेरे ने और इस फिल्म की कहानी प्रिया अवेन ने लिखे थे। अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1100 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरसीज में लगभग 400 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1500 स्क्रीन्स के साथ 15 जुलाई को रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 54 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 2,66,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 2,88,00,000 का लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था तो 3,72,00,000 का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 30 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 4,02,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 28 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिले। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, इस फिल्म की कहानी वुमेन क्रिकेटर मिथाली राज के जीवन पर आधारित थी। नंबर दो, 2017 के वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद वायाकॉम 18 स्टूडियोज ने मिथाली राज की बायोपिक फिल्म बनाने के लिए राइट्स खरीदे थे। उनका ऐसा मानना था कि इस फिल्म के बाद बहुत सी लड़कियां वुमेन क्रिकेट के लिए इंस्पायर होगी, लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में नहीं चल पाई और बुरी तरह से फ्लॉप हुई। नंबर तीन, इस फिल्म में पहले प्रियंका चोपड़ा को लिया जाने वाला था लेकिन कुछ कारण से बात नहीं बन पाई, फिर उनकी जगह तापसी पन्नू को लिया गया था। नंबर चार, इस फिल्म को पहले 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया जाने वाला था लेकिन कोविड के थर्ड वेव के चलते तब इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। सही डेट ना मिल पाने के कारण ये फिल्म जून तक रिलीज नहीं हो पाई थी। आखिर में ये फिल्म को 15 जुलाई को रिलीज किया गया था। नंबर पाँच, जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तब इस फिल्म को राहुल ढोलकिया डायरेक्ट करने वाले थे लेकिन कोविड के चलते इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही रुक गई थी, जिसके बाद राहुल ढोलकिया इस फिल्म से हट गए थे। फिर इस फिल्म को सृजित मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।